YouTube चैनल और मैं हूँ मुस्कान और आज मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चीप मेकअप फ्रॉम सरोजनी नगर और मैं उसे कंप्लीट मेकअप लुक क्रिएट करूँगी और वो मेकअप लुक आपको आगे देखने को मिलेगा कि कैसा हमारा मेकअप लुक टर्न आउट होकर आता है। आई ट्राइड सम ऑफ आई शेडो पैलेट्स फ्रॉम सरोजनी, सो लेट्स सी वो आई शेडो पैलेट्स एंड कम्प्लीट मेकअप कैसा है और हमें उसे यूज़ करना चाहिए या नहीं, आई लेट यू नो इन द वीडियो। सो या लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बिफोर वी आर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाउंडेशन बिकॉज आई ऑलरेडी अप्लाइड माई प्राइमर बिकॉज ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चीप होते हैं। आई डोंट रियली बिलीव इनके अंदर कोई भी गुड क्वालिटी है, सो दैट्स वाई आई ऑलरेडी अप्लाइड माई प्राइमर ताकि जो शील्ड क्रिएट हो जाए मेरे फेस और इस मेकअप के बीच में। सो या वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाउंडेशन एंड दिस फाउंडेशन इज फ्रॉम शील्ड्स प्रोफेशनल HD वाटरप्रूफ लिक्विड फाउंडेशन क्रीम। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस मच फाउंडेशन एंड अप्लाइड ऑन डॉटेड मोशन। कंसिस्टेंसी है इट्स रियली गुड, थोड़ा सा स्टिकी है एंड स्मेल्स वेरी वियर्ड है, जैसे चीप स्मेल्स होती है ना, आई कॉन्ट रियली टेल यू दैट कैसी स्मेल है। जो पिछले फाउंडेशन मैंने लिया था जो मैक बॉटल में था, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है सरोजनी नगर मेकअप वाली, तो उसकी रोज वाटर जैसी स्मेल थी, बट इसकी कम्प्लीटली चीप स्मेल है। आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं चीप स्मेल कैसी होती है, बट इट अरे कहना क्या चाहते हो, वेरी वियर्ड। गाइज ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्टिकी है, अजीब है फेस पर अप्लाई करने पर। शॉपकीपर्स होते हैं ना जो ये मेकअप सेल करते हैं, दे आर लाइक दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन एंड द बेस्ट प्रोडक्ट्स व्हाट दे हैव। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आई वाज लाइक ठीक है भैया मुझे पता है। मैडम ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी मार्केट में। कंट्रोल उदय, ये बात तो सच्ची है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो ये कवरेज है बहुत ज्यादा शीयर है और आई वांट लिटिल बिट मोर, सो आई एम गोइंग टू रीअप्लाई दिस वन। गाइस, तो नेक्स्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम सरोजनी इज अ कंसीलर एंड इसके ऊपर जो ब्रांड लिखा है इट्स अ हिलेरी रोड़ा, जो ऑलरेडी एक ब्रांड है, मे बी ये उसी का है, ओरिजिनल है या फेक है आई डोंट रियली नो, हमको नहीं पता अबाउट दैट। इट्स अ लिक्विड कंसीलर, हाई कवरेज कंसीलर, सो लेट्स सी इसकी कवरेज कितनी ज्यादा हाई है। आई एम रियली एक्साइटेड एंड मुझे बहुत हंसी आ रही है सब प्रोडक्ट यूज करते हुए, बाय करते हुए उससे भी ज्यादा हंसी आ रही थी जब मैं भैया से बार्गेन कर रही थी कि नहीं भैया आपको मुझे इतने कम में देना ही पड़ेगा, मुझे वीडियो शूट करनी है। गाइस, तो मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है एंड आई रियली लाइक द कवरेज ऑफ कंसीलर एंड जो इसका शेड है इट्स रियली गुड। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू द पाउडर्स। फॉर दिस टाइम आई डोंट गेट एनी पाउडर फ्रॉम सरोजनी, जो मैं लास्ट टाइम सरोजनी से पाउडर लेकर आई थी आई यूज दिस वन ओनली, सो या देर इज द पाउडर, बट मैंने इसका काफ़ी बुरा हाल कर दिया बिकॉज इट मेरे यूज में इतना नहीं आता, तो इसका ये हाल हो गया है, आप क्या करें। So let's move on to the blush. For the blush, I got this. I love matte SFR color का blush मैं लेकर आई हूँ। Okay guys, for the highlighter, I got this MAC roll-on pigment something called roll-on pigment and it's a highlighter kind of thing. So yeah, I am just going to use as my highlighter. Now we are going to blend this. For eye makeup, so eye makeup में we are going to start with this eyebrow thing. So eyebrow के लिए I got this eyebrow pen. I think ये नहीं आ रही है यार, अभी तो आई थी मैंने जब apply की थी। What is this? How I'm going to apply my eyebrows? Okay, it's done. आ रही थी, so yeah, I don't really like it. मैंने कौन सी आई शेडो पैलेट्स ली हैं सरोजनी से, मैंने दो आई शेडो पैलेट्स ट्राई की हैं, नॉट दैट बिग वन बिकॉज जो प्राइजेस थे इट वॉज क्रेजी गाइज, यू गाइज डोंट बिलीव कि प्राइजेस आर 1000 रुपीज़,
Yes. 1000, 2000 and 3000 around. Yeah, let's move on to the eyeshadow. So here is the eyeshadow and the first eyeshadow. So it's from the SFR Big Charcoal Black, right? So, okay. Pretty decent pigmentation hai. Let's see हमारे eyelids पे इसकी pigmentation कैसी आती है. जो next palette है वो मैंने आते ही break कर दी थी घर पर, because जो मैं carry bag लेके गई थी उसे मैंने लाते ही इस तरीके से रख दिया था, तो वो जो नीचे पैलेट थी इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन. सो ओ गॉड टू लुक एट दिस ब्यूटीफुल शेड्स. दिस इज द आई शेडो पैलेट. इसके तीन शेड टूट गए हैं एंड आई फील वेरी वेरी बैड. एंड इट्स अ गोल्डन एंड जो भी सारे वॉर्म टोन्स हैं वो हैं इसमें. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेक दिस न्यूट्रल ब्राउन शेड फॉर द ट्रांजेक्शन. Pretty decent जो pigmentation है वो दे रहे हैं eyelids पे, but not that great. Next we are going to try this eyeshadow palette and I am going to apply this beautiful blue. Now you guys can see this beautiful eyeshadow and the blue eyeshadow was so current blue. Thumbs up for shadows are pretty bomb and pretty cool and I really love the eyeshadows. Both the eyeshadows are pretty decent. अच्छे से work करा उन्होंने मेरी eyelids पर और इतने भी ज़्यादा cheap and इतने भी ज़्यादा गंदे नहीं कह सकते. I'm going to use this MAC long lasting liner. Yes, guys, it's a MAC. No. This liner is pretty watery, guys. Watery है. Okay guys, so next thing I got this eyelashes. This lashes from Red Cherry and 3D lashes likha hai. Let's see apply karne par kaisi lagti hai. Okay guys, I'm done with my eyelashes and jo ye eyelashes hai pretty natural hai, but jo iska band hai wo kafi mota hai, so it's thoda sa uncomfortable, so leave it. It's Sarojini makeup guys. Okay guys, for the lipstick I got two items. I got this beautiful lip pencil और ये M&M की है and I really like this और ये ज़्यादा dry नहीं है आपके lips पे, you guys can see, and ये एक matte भी है, तो I really like this one. गाइस, तो ये था मेरा सरोजिनी नगर का चीप मेकअप. और आप लोगों को ये लुक कैसा लगा जो मैंने क्रिएट किया है चीप मेकअप से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू गाइस वांट मी टू डू मोर चीप मेकअप्स और कहाँ का मेकअप मैं ट्राई करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना. और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना. और मैं इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. So I'll meet you in my next video. Tab tak ke liye bye and take care. Bye.